हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा तीसरी की हिंदी लेसन नंबर 10। हमारे संबंधी यानी आर नेबर्स, नेबर्स यानी कि हमारे रिलेटिव्स। यहाँ पे संबंधी जो ये नेबर्स है, यहाँ पे हम रिलेटिव्स करेंगे, ठीक है। रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार या हमारे संबंधी। नेबर्स यानी तो पड़ोसी हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, माता पिता यानी हमारे पेरेंट्स, फूफा जी, बुआ, या हम फूआ भी बोलते हैं, तो फूआ, फूफा जी, अभी हम बुआ बोलते हैं, फूफा जी को तो फूफा जी ही बोलते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, तो ये हमारे रिलेटिव्स हैं ना सब। नेबर्स नहीं कह सकते, ये पड़ोसी नहीं है। भाई बहन, नाना नानी, ये सब हमारे रिलेटिव्स हैं, हमें रिश्तेदार हैं। अब इन्हें माता पिता सबको पता है, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चा क्वेश्चन पूछा कि फूफा कौन होता है, मतलब फूफा, ये फूफा कौन होता है। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि जो हमारी बुआ होती है उनके हस्बैंड को फूफा कहते हैं। बोला बुआ कौन होता है, कौन होती है, तो बुआ यानी मैंने बताया कि बुआ होती है हमारे पापा की बहन, यानी मेरे पापा की जो बहन है वो मेरी बुआ लगेंगी। आपके जो पापा की बहन है, आपके पापा की बहन, वो बुआ लगेंगी आपकी। अब चाचा कौन है, तो आपके पापा के भाई, आपके चाचा हुए, हम बोलते ना अंकल, तो आपके पापा के भाई, यानी आपके पापा के कितने भाई हैं, दो हैं, तो अगर दो भाई हैं आपके पापा के, तो वो दोनों ही चाचा हुए। अगर एक एक जैसे हम एक एक को हम ताऊ बोलते हैं और एक को हम यानी कि ताऊ को ही बड़े पापा भी बोलते हैं। तो जैसे आपके पापा मान लीजिए कि ये हैं और ये आपके पापा से छोटे हैं, तो ये हमारे चाचा हुए, ठीक है। यानी कि ये क्या होंगे, चाचा बोलेंगे। मान लीजिए ये आपके पापा हैं और ये इनके बड़े भाई हैं, तो इनको ही हम, जो बड़े भाई हैं इनके, अपने पापा के जो बड़े भाई हैं, उनको या तो बोलेंगे बड़े पापा, ठीक है, बड़े बाबूजी भी बोलते हैं लोग, बड़े बाबूजी, या फिर बड़े ताऊजी, ठीक है, ताऊजी। और अगर दो हैं बड़े उनसे, तो बड़े ताऊ, छोटे ताऊ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अब आपके पापा के दो भाई हैं, तीन भाई हैं, और वो तीनों के तीनों छोटे हैं, तो तीनों ही आपके चाचा ही लगेंगे। यानी कि आपके पापा से छोटे अगर उनके भाई हैं तो वो चाचा लगेंगे, अगर उनके बड़े भाई हैं आपके पापा के, आपके पापा से भी बड़े भाई हैं उनके, तो वो, उनको हम या तो ताऊ जी कहते हैं या फिर हम उन्हें बड़े पापा कहते हैं। आपके पापा के, मान लीजिए कि ये आपके पापा जी हैं, तो आपके पापा के जो आपके पापा के पापा हैं वो दादा होते हैं, और पापा की जो मम्मी होती हैं वो दादी जी होती हैं, है ना। और ये देखिए, ये तो आपके मान लीजिए माता पिता हुए और ये आपके दादा दादी हुए, तो ये दादा की ही, दादा की ये बेटी हैं और ये बेटा हैं, है ना, और ये भी इनके ही बेटे हैं, तो फिर ये इनकी वाइफ हुई और ये इनकी बेटी है, तो इनके हस्बैंड फूफा जी हुए हमारे, और ये इनके बेटे हैं तो इनकी वाइफ चाची हुई, यानी कि चाचा की वाइफ को चाची कहेंगे। ओके, बड़े पापा की जो, या बड़े जो हमारे ताऊ हैं उनकी वाइफ को हम ताई कहेंगे, दादा के जो हमारे दादा हैं उनकी वाइफ हमारी दादी होंगी। भाई बहन तो आपको पता ही है, ये तो सबको पता होता है। नाना नानी कौन होते हैं, नाना नानी होते हैं, जैसे हमने देखा कि पापा के जो पापा और मम्मी थे, इनको हमने बोला दादा और दादी, लेकिन जो मम्मी है, मम्मी के पापा को हम बोलेंगे नाना, और मम्मी के मम्मी को बोलेंगे नानी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यानी जो हमारे मम्मी के पापा मम्मी हैं, हम उन्हें नाना और नानी बोलते हैं। आगे समझते हैं, पिताजी के भाई को क्या कहते हैं, चाचा। माँ के पिताजी को क्या कहते हैं, नाना। पिताजी की बहन आपकी कौन, बुआ। पिताजी की माँ आपकी कौन, दादी, यानी पिताजी की जो माँ है वो दादी ही होंगी ना। बुआ जी के पति, बुआ जी के पति जो हैं वो आपके क्या लगेंगे, फूफा जी। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, लिखने में गलती ये की है कि इसने लाइन के ऊपर लिखा है। आप इंग्लिश में ऐसा लिखते हो,
हिंदी में आप ऐसे लाइन के नीचे लिखोगे, ये जो लाइन है उसके नीचे, और ये जो नाना यहाँ पे है, नाना आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे लाइन के नीचे, और फिर ये जो बुआ है, बुआ आप ऐसे लिखोगे, फिर जो दादी है, दादी नीचे लिखोगे। ओके, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करना, और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बताइए। और वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पर देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रहा है तो आप इतने रेजोल्यूशन पर देखोगे तो क्लियर दिखेगा, ठीक है।